कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पूर्व भाजपा सरकार की रेत नीति को पलट दिया है। पहले भाजपा सरकार में रेत खदानों की नीलामी पंचायतों के जरिए करने की नीति बनाई थी, लेकिन इसे अवैध रेत खनन में और इजाफा हो गया। नई नीति के तहत अब मध्य प्रदेश खनिज निगम और कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। कांग्रेस सरकार की नई रेत नीति के अनुसार अब पंचायतों की जगह खनिज निगम रेत खदानों की नीलामी करेगा। इसके अलावा नर्मदा नदी में मशीनों से रेत खनन पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही खनन का लाइसेंस 2 साल के लिए ही दिया जाएगा। नई रेत नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये भी किया गया है कि अब सरकारी काम में लगने वाली रेत पर रॉयल्टी नहीं लगेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के समय पंचायतों के माध्यम से रेत खनन की व्यवस्था लागू की गई, जिसके चलते पूरे प्रदेश में पिछले 15 वर्षों में जो अवैध उत्खनन के मामले बढ़े और जिस व्यापक पैमाने पर शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर हुआ, उसको लेकर रेत व्यापारी आए दिन आंदोलनरत थे और शिवराज सरकार में रेत व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे और इसके साथ साथ रेत की कीमतें बेहताशा बढ़ी थी। जहाँ प्रदेश की सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ, वहीं उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी व्यापक पैमाने पर हुआ। उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 15 वर्षों से जो व्यापारी रेत एसोसिएशन के माध्यम से निरंतर आंदोलनरत थे, चुनाव के पूर्व माननीय कमलनाथ जी और माननीय राहुल जी से संवाद के आयोजन में इस बात को प्रमुखता के साथ हमारे द्वारा उठाया गया था और माननीय राहुल जी के समक्ष इस बात को रखा गया था कि किस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पे अवैध उत्खनन के मामले और व्यापक भ्रष्टाचार इस रेत में, रेत घोटाला देश का सबसे बड़ा यदि कोई घोटाला था तो वो मध्य प्रदेश का रेत घोटाला था शिवराज सरकार का। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल जी ने रेत व्यापारियों की पीड़ा को और उनकी समस्याओं को विशेष रूप से ध्यान से सुना। माननीय कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में माननीय राहुल जी ने रेत एसोसिएशन के पदाधिकारियों को विश्वास दिलाया था कि अगर हमारी सरकार रही तो हम निश्चित रूप से रेत की नई नीति लाएंगे। माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को का उल्लेख विशेष रूप से किया था और आज मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के बिंदुओं में एक और अपना वचन पत्र निभाया है। इस जरूरी बदलाव के अब प्रदेश भर के रेत कारोबारियों में हर्ष व्याप्त है। इस मामले में रेत मंडी एसोसिएशन के सचिव मनीष अजमेरा ने इस रेत नीति में फेर बदल को रेत कारोबारियों के हित में बताया। साथ ही नई नीति के जल्द लागू होते ही अब मकान या भवन निर्माण के खर्चों में कमी भी आएगी।